नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। दमोह में लगातार ड्रग तथा हेरोइन और कोकीन जैसे नशीले पदार्थ अपने पैर पसारते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी तक नशे में करीब 2 से 3 युवक को अपनी मौत के आगोश में समा लिया है। मगर दमोह पुलिस प्रशासन है कि मामले में लीपापोती करती नजर आ रही है। वही माना ये भी जा रहा है कि दमोह पुलिस के हाथ ड्रग स्मगलरों की गिरेबान तक पहुँच गए थे, मगर दमोह पुलिस ने जिस तरीके से मामले को रफा दफा करने के लिए 3500 IPC की कार्रवाई कर पूरे मामले में सफाया कर दिया, उस पर सवाल उठना लाजमी है। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दमोह लाई नाका सिविल वार्ड नंबर 5 का ये मामला है, जहां पर रहने वाले 22 वर्षीय युवक शुभम सैनी की तबीयत 20 सितंबर को सागर नाका स्थित मानसरोवर ढाबा पर अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद युवक के दोस्तों के द्वारा शुभम सैनी के परिजनों को फोन लगाकर बताया गया कि अचानक शुभम की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद शुभम सैनी के परिजन मौके पर पहुंचे और शुभम सैनी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उसे प्राथमिक उपचार देकर जबलपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से परिजनों ने मामले में नामजद युवकों के नाम से शिकायत की, मगर पुलिस ने मामले में लंबे अरसे तक कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि घटनास्थल पर नशीले इंजेक्शन, सीरिंज और अन्य सामग्री पड़ी रही। मगर पुलिस ने मामले में कुंभकर्णी नींद सोकर ये बात साबित कर दी कि कहीं ना कहीं दमोह पुलिस के हाथ इन ड्रग माफियाओं के ऊपर होना लाजमी हो गया। वहीं जब मामले में पुलिस के द्वारा संज्ञान नहीं लेने के कारण मृतक युवक के परिजनों ने मीडिया का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद मामले में मीडिया ने प्रमुखता से खबरें प्रकाशित की, जिसके बाद दमोह पुलिस हरकत में आई और मामले में शहर के करीब 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा और आरोपियों से 2 दिन तक पूछताछ की। इतना ही नहीं, मामले में पुलिस ड्रग माफियाओं की गिरेबान तक पहुंची गई थी, मगर पुलिस ने बाद में सभी संदेहियों को बाइज्जत छोड़ दिया, जिसके बाद शहर में चर्चाओं का विषय बन गया। वहीं मामले में अब शहर की सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि दमोह पुलिस ने जैसे हटा में हुए मशहूर नकली ऑयल कांड में गोलमाल कर दिया था, उसी प्रकार दमोह के ड्रग मामले में भी पुलिस ने पूरी लीपापोती करते हुए बहाना बना दिया कि जब तक मुख्य आरोपी अनिकेत मिश्रा नहीं मिलेगा, तब तक कोई मामले का खुलासा नहीं हो सकता। वहीं मृतक शुभम सैनी मौत के मामले में दमोह की देहा थाना पुलिस ने 304 IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हाँ, इसमें मर्ग जांच के प्रथम दृष्टया जो है, तो मृतक मोहित सैनी सिविल वार्ड 5 का जो रहने वाला है, और उसकी मृत्यु पर घर वालों के बयानों और आय साक्ष के अनुसार जो है, और थाना दमोह देहात में 304 IPC का प्रकरण आरोपी अनिकेत मिश्रा के विरुद्ध में पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और उसकी लगातार तलाश की जा रही है पुलिस के द्वारा। उसके बाद उससे पूछताछ करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन और आगे की जाए। सर, परिवार वालों का आरोप है कोई छुट्टू जैन है, देवेंद्र चौरसिया है, और उससे क्या कहते हैं कोई हनी मसी करके है, ये लोग भी साथ रहते थे। बिल्कुल, इनमें सभी जो परिवार वाले जिस हिसाब से बयान इसमें इन्वेस्टिगेशन में बताएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, सुनने में आया है कि सागर नाका पुलिस चौकी के द्वारा कुछ लोगों को पकड़ा भी था। अभी बयान और पूछताछ हेतु कुछ लोगों को बुलाया गया होगा, जो एडिक्ट रहे होंगे, जिनके द्वारा इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, पता रसी और आगे की जानकारी के लिए। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विक्रम बौद्ध है। ये जो घटनाक्रम है क्या है? छोटा भाई मोहित सैनी, जिसका मित्र है अनिकेत मिश्रा, ये लोग साथ में मेरे छोटे भाई को लेकर गए थे, और फिर रात्रि में हम लोगों के पास फ़ोन आता है कि आपका भाई बेहोशी हालत में मानसरोवर ढाबे के यहाँ पर है, आप लोग जल्दी आ जाइए। हम लोग यहाँ से पहुँचते हैं, फिर उसके साथ तुरंत जिला अस्पताल लेकर जब पहुँचते हैं बेहोशी हालत में, तो अनिकेत मिश्रा तुरंत वहाँ से भाग जाता है। 2 घंटे तक डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जाता है, हालत अत्यंत गंभीर होने की वजह से डॉक्टर जबलपुर रेफ़र करते हैं। जबलपुर रेफ़र करने के बाद वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर उसको मृत्यु घोषित कर देते हैं। अब हम लोगों को ये आशंका है, ये जो उसका मित्र है अनिकेत मिश्रा, ये कुछ नशीले पदार्थों में लिप्त है, और इसी के द्वारा छोटे भाई को इस तरीके के कुछ नशीले पदार्थ का सेवन कराया गया है, जिससे उसकी मृत्यु हुई है।
ये जो ड्रग्स जैसा व्यापार है ये दमों में जोरों पर फल फूल रहा होगा, तो ये सामने बिल्कुल बिल्कुल ये चीज सामने आई है और हम लोगों ने अपने परिवार से एक इंसान को खोया है, तो ये नशीले पदार्थ बहुत तेज़ी से शहर में पैर फैला रहे हैं और इस पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। शासन प्रशासन इस पर कठोर कार्रवाई करे। इसमें आप लोगों ने एक शिकायत भी की थी बीते दिनों, उसमें क्या हुआ था? उसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कितने लोगों के खिलाफ थी ये शिकायत? ये मैन अनिकेत मिश्रा है, उसके साथ अन्य 4-5 लोग और हैं। कहाँ है वो आजकल? पुलिस की गिरफ्त में नहीं, पुलिस की